हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है? तो भाई आप लोग कह रहे हो कि वही सेम कपड़ों में घूम रहा है। हाँ भाई, उसी सेम कपड़ों में घूम रहा हूँ, दिन भी वही है। वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए उसे दो पार्ट में कर दिया है, क्योंकि शाम को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा काम, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए दो पार्ट में डाल देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यार महिंद्रा वालों, प्राइम महिंद्रा, अब से मैं महिंद्रा वालों नहीं कहूँगा क्योंकि महिंद्रा बहुत अच्छी कंपनी है, अब मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं कहना। पर प्राइम महिंद्रा सीख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, समझ रहे हो क्या हो रहा है? कान में जू नहीं रेंग रही क्या? तो सारी चीज़ छोड़ दी मैंने, चलो देंगे गाड़ी दे देंगे, पर नहीं, मैं चुप बैठ गया हूँ तो रहा कहाँ जा रहा है? साइबर क्राइम से फ़ोन कराओगे तुम तो मुझे चीज़ें भिजवाओगे और प्रेशर बनवाओगे वीडियो। चलो वीडियो डिलीट करने का प्रेशर बनवा रहे थे ना, चार वीडियो और बना दूंगा इसी चीज़ पर। लो तुम्हारा, तो यार इस चीज़ को मत करो, थोड़ा सा कस्टमर का भी सेटिस्फेक्शन देखो। चीज़ें कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ही चलती हैं, गाड़ी तो और कोई दे देता है पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता, इसलिए तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद हो गई हैं। तो आपका तो फिर भी एक शोरूम ही है, तो प्लीज़ इस चीज़ को सोचो समझो, नहीं तो पब्लिक तो एक मिनट में दिखा देती है कि अगर पब्लिक को गुड़गांव है कि गढ़गांव है, गड्ढे गड्ढे हो रहे। तो चलो इस चीज़ को देखो। अब बार बार तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, आप लोगों को भी इतने में शर्म आ जानी चाहिए, क्योंकि मुझे तो आ गई थी, मैंने चीज़ों को बंद कर दी, पर आप लोगों को नहीं आ रही थी। पोक करना है, उंगलीबाजी करनी है, उंगली करोगे भाई। अब मैं जा रहा हूँ सोहना। सोहना में है एक अपने फ्रेंड की शादी, मतलब फैमिली फ्रेंड है, तो घर वाले तो पहुँच ही चुके पहले, मैं भी पहुँच ही जाता हूँ। तो आज मेरे हाथ में है ये बलिनो, आपने पिछली वीडियो में देखा था। बहुत ही ज़्यादा रेड लाइट, मतलब फर्स्ट से सेकंड गियर में गाड़ी आती है, इतने में रेड लाइट शुरू हो जाती है। चलो ये कष्ट जो मैं आज कर रहा हूँ, अगर ये मैंने 7 तारीख को किया होता और 7 अक्टूबर को आके या जो भी मैंने पैसे दिए थे वो कर लिया होता, गुड़गांव आ गया होता, तो अब तक क्या पता तुम्हारा भाई एक्सयूवी 700 ऑल व्हील ड्राइव चला रहा होता, इन गड्ढों से निकल रहा होता जो कि गुड़गांव में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। पर वही है, जो किस्मत में होना था वही हो गया, जो चीज़ एक्सपोज होनी थी वो हो गई। नेगेटिविटी बातों को छोड़ो, नेगेटिव वाली बातें के छोड़ते हैं, क्योंकि अब जा रहे हैं हम शादी में और शादी में करेंगे इंजॉय। और अबे यार बहुत ही बुरी हालत है गुड़गांव की, तो पिछली वीडियो में तो मैं तारीफ कर रहा था, ये तो लॉल हो गया। चलो, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है गुड़गांव की, कोई बात नहीं, रोड वोड तो बन जाएंगी, पर डेवलपमेंट तो हो रही है ना। फरीदाबाद में डेवलपमेंट भी नहीं है, रोड भी नहीं है, हालत ही ख़राब है। आज शादी में करेंगे फुल इंजॉय। अपने कपड़े रखे हुए हैं पीछे, इन्हीं कपड़ों में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सुबह से पहने हुए हैं। ये जैसे कि दिखाया था ना मैंने आपको, योगेश भाई ने वो ली थी जैगुआर, उन्हीं की सिस्टर की बड़ी बहन की शादी है, तो उसी मैरिज में मैं जा रहा हूँ। तो इस व्लॉग को यार बिल्कुल एंड तक देखना, और इस व्लॉग के बाद में यार कमेंट जरूर करके बताना कि आप लोगों को डेली व्लॉग पसंद आ रहे हैं, मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, तो जरूर बताना। आज एक डेली व्लॉग टाइप करता हूँ इसे पूरे को शूट। हाँ, तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, तब से ट्रैफिक में फंसा हूँ, आधा पौना घंटा हो गया यहाँ बादशाहपुर एरिया में। चलो इतने हम ट्रैफिक से निकलते हैं, इतने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज मैं आया गो मैकेनिक सिलेक्ट, और गो मैकेनिक की वर्कशॉप है जो कि एक प्रीमियम वर्कशॉप है, और आज जानेंगे कि गो मैकेनिक के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और सारी चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा। यहाँ पे आपको OEM पार्ट्स की शॉप मिल जाती है, जहाँ से आप पार्ट्स लेकर के और अपनी गाड़ी की सर्विस करा सकते हैं। जब तक आपकी गाड़ी की सर्विस होती है तब तक आप अपने कस्टमर लॉन्च में बैठ के वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको गो मैकेनिक के साथ आपको पीरियोडिक सर्विस, मैकेनिकल रिपेयर, डेंटिंग एंड पेंटिंग, ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। तो इसमें आपको वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन की भी सुविधा उपलब्ध है, और देख सकते हैं आप किस तरीके से अच्छे से वॉशिंग हो रही है यहाँ पर कार की। यहाँ गो मैकेनिक वर्कशॉप में आपको फोरलिफ्ट की भी सुविधा मिल जाती है, जिससे आप अंडर बॉडी काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, अगर आपके अंडर बॉडी कोई भी प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड पेंट बूथ भी मिल जाता है गो मैकेनिक के साथ, तो आप अपनी कार की सर्विस बुक कर सकते हैं 3 easy steps में। स्टेप नंबर 1, चूज़ योर कार, देन चूज़ योर सर्विस, देन चूज़ योर टाइम स्लॉट। तो गो मैकेनिक में आपको पिकअप एंड ड्रॉप की भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो चलते हैं यार, सब लोग तो तैयार और हो गए, मैं तो तैयार भी नहीं हूँ, और सबको पार्लर ले जाने के, कभी आप लोगों का ऐसा हुआ है? मैं तो अपनी बहन की किट में से फेस वॉश चुरा लिया है, इसे रखो यहाँ। चलो, तो सबको पार्लर ले जाने की जिम्मेदारी भी मेरी हो चुकी है। चलो मम्मी, मेरे को बड़ी बुरी लगती है यार ये वाली चीज़ की किसी को पार्लर ले जाना, तो मम्मी और मौसी को पार्लर ले जाने का आज काम मेरा है, क्योंकि मेरी बहन तो पता नहीं कहीं गई हुई है। अब गाड़ी चलानी आती है तो इस चीज़ के फ्लॉस भी होते हैं कई। मेरी तो अभी शर्ट वगैरह भी प्रेस हुई नहीं है, कुछ भी कपड़े भी ऐसी रखे गए डिग्गी में, अभी चलो चल के ही पहनता हूँ मैं तो अभी। तो अपना क्या काम है, बस यहाँ बैठो पार्किंग। वो लोग पार्लर गए, और आज इतनी शादी है ना भाई, इतनी शादी है, हर 100 मीटर पर शादी हो रही है आज, तो पार्लर भी पूरे भरे पड़े हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अपना तो काम है, बस बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो और वेट करते रहो।
इतना भी क्या तैयार होके आना यार, घर से भी तैयार होके आओ, फिर यहाँ पे पार्लर में भी तैयार हो, पर पता नहीं, चलो जो भी है लेडीज लोगों का पता नहीं। और मेरे को देखो, मैंने तो मुंह भी नहीं धोया, फेस वॉश मतलब फेस वॉश भी साथ में लेके घूम रहा हूँ मैं अपना, तो जाके फेस वॉश करूंगा, मुंह धोऊंगा, कपड़े पीछे पड़े, प्रेस तक नहीं है मेरी शर्ट, अब कल ही धोई थी मैंने, इनमें सूख गई फटाफट, और अब लेके आया प्रेस तक नहीं है, प्रेस वाला ढूंढता हूँ फटाफट, प्रेस उसमें कराता हूँ। अब यार यहाँ सोना में प्रेस वाला कहाँ मिलेगा, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, सब्जी वाले तो है। हाँ रुक जा भाई, सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। हाँ बताया था कोई प्रेस वाला है, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये रहा। बेटे एक होगा, मिल गया प्रेस वाला। आज शादी इतनी है कि हर जगह इतनी भीड़ लगी हुई है। चलो अपनी शर्ट तो हो गई है प्रेस, फोन अभी तक नहीं आया उनका, बताओ पार्लर में 5 मिनट कह के गए थे। और मम्मी यार से कह दो ना कि यार जल्दी कर लो थोड़ा सा, या मैं नहीं लेके जाऊंगा कुछ भी, सीधा यही जवाब आता है, अपनी बीवी की करेगा ना तब बताएंगे तुझे, तब पता चलेगी अपनी बीवी की, तेरे को लेके जाया करेगा ना तब पूछेंगे तेरे से कि कितना टाइम लगता है, तब तो बड़ा 1 मिनट में वेट करा करेगा, तो सीधा यही जवाब आता है, तो अब क्या ही बोले। अब यहीं लगा ले, तो मैं तो इतनी देर में प्रेस भी करा के आ गया, यहाँ छोटा सा काम बोल के गए थे, 5 मिनट हो ही नहीं हुआ। अब यार यहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, तो अपना सामान निकाल लेता हूँ। देखा आपने कहीं ऐसा शादी में आके तैयार होना, लोग तो घर से तैयार होके आते हैं, हम यहीं पे आके तैयार होंगे, मैंने कहा लोग तो घर से तैयार होके आते हैं पर हम तो यहीं पे आके तैयार होंगे। रूम कौन सा सूट पड़ा है, तो मैंने खोल के भी नहीं देखा, आएगा कि नहीं आएगा अभी तो चेक करना पड़ेगा, फटाफट से मुंह धो लेता हूँ। मतलब मैं यार पतला हो गया क्या, ये तो बहुत पुरानी पैंट है, बहुत बिल्कुल फिटिंग आ गई ऐसा लग रहा है, पर कोई पोपट ना ऐसा हो सकता है, बेल्ट भूल गया, कोई नहीं बिना बेल्ट के भी चल जाएगी, वैसे तो अच्छी ठीक लग रही है कि नहीं लग रही। चलो भाई आप लोगों को मिलवाता हूँ योगेश भाई से, जिनकी जैगुआर ली थी। चलो बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। किस
इल्जाम